अब आपके एग्जाम में कुछ ही दिन का टाइम बचा हुआ है। इस कुछ ही दिन के टाइम के लिए आप अपने एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करेंगे, उस सीक्वेंस में आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है क्या करना है। तो आप याद रखिए, इस टाइम पे सिर्फ आपको सॉल्व करने हैं मॉडल पेपर्स, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें करिए जिससे आपका क्विक रीजन हो। आप नया टॉपिक मत पढ़िए, जितना भी आपने पढ़ लिया है उतना आपके लिए बेहतर है। और अगर अब आपने सोचा है कि अब मैं कुछ और पढ़ लेता हूँ, तो फिर आपकी भैंस पानी में जाने के लिए तैयार हो चुकी है, ये भी याद रखिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक बातों को याद में रखते हुए क्या करना है, मैं एक एक सीक्वेंस से बताता हूँ। सबसे पहले आप अपनी चीज़ों को जितना भी आपने पढ़ लिया फटाफट रिवाइज मारना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आज 5 तारीख हो चुकी है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक, 16 से पहले पहले आपके पास में कम से कम 10 से 15 मॉडल पेपर ऐसे होने चाहिए जिससे क्वेश्चंस आए ही आए। तो फिर इसके लिए हम लोग क्या लेकर के आए हैं, 129 में हम लेकर के आए हैं 25 प्रैक्टिस सेट, वो भी विथ सॉल्यूशन 25 प्रैक्टिस सेट 129 रुपए में, बहुत ही कम प्राइस है। और आप ये मान लीजिए, क्योंकि ये छोटे से प्राइस में इससे मैं कम कर सकता था, बट कुछ चार्ज कट जाते इसलिए ऐसा करना पड़ा, है ना। तो 25 प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशन फिजिक्स के आपको मिलेंगे 129 रुपए में। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक में बार कोड है, वहाँ पर जाकर के पेमेंट करके नंबर पर 9648 इस नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा, और आपको 25 मॉडल पेपर जिसमें 2017 और 18 का पेपर भी होगा, और साथ में 3 प्रैक्टिस सेट ऐसे होंगे जो आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और 20 प्रैक्टिस सेशन ऐसे होंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, उनको क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको लगेगा, और एग्ज़ाम को जो आपका एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस शीट सॉल्व करिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस शीट अवेलेबल नहीं है। ये तो मैंने 25 बोल दिया, हो सकता है कि मैं इस प्रैक्टिस शीट को 35 कर दूं, क्योंकि पर डे आपको 3 मॉडल पेपर सॉल्व करने होंगे, तभी आपका बेहतरीन रूप से जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज आप सोच रहे हैं कि अगर कम से कम प्रैक्टिस शीट में आप सफल हो जाएं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, कम से कम अब 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 2-2 घंटे के 3 मॉडल पेपर सुबह दोपहर शाम शाम को सॉल्व करिए, और 5 दिन बाद 10 तारीख के बाद में आप उस टाइम पे पेपर लिखिए जिस टाइम पे आपके एडमिट कार्ड में पेपर की टाइमिंग लिखी हो। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम देने के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि किस टाइम पर एग्ज़ाम होगा, और उसी टाइम पर अगर आप 2 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करते हैं, 2 घंटे सोचने की प्रैक्टिस करते हैं और 2 घंटे लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ में, आप लोगों को मॉडल पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है, लिंक में जा करके ओके करके पेमेंट करके यहाँ पर पहुँचिए, आराम से तैयारी करिए। 129 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसके बारे में मत सोचिए। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।